नमस्कार दोस्तों। दोस्तों शादी ना करने वाले लोगों को ये समाज हीन भावना से क्यों देखता है, इस महत्वपूर्ण वीडियो को मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर जीवन में आपने तरक्की नहीं की है और आप निठल्ले हैं, बेरोजगार हैं और जीवन में गलत काम करते फिरते हैं तो शादी ना करने के कारण आपको हीन भावना से देखा जा सकता है। लेकिन जीवन का एक मुकाम हासिल करने पर, जीवन को ऊंचाइयों में ले जाने पर इस बात का कोई महत्व नहीं होता कि आपने शादी की है या नहीं की है। शादी ना करने वाले लोग ज्यादा सक्सेस हुए हैं, ये इतिहास गवाह है इस बात का। दोस्तों मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, समाज में जो लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं या जिनकी सोच बिल्कुल अलग तरह की है या जो इसी काम में लगे हुए हैं कि दूसरों की टांग खींचनी है, वही लोग ऐसी बातें करते हैं कि शादी नहीं करने से समाज में लोगों को हीन भावना से देखा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए। इस दुनिया में हजारों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिन्होंने शादी नहीं की और जीवन के उस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां लोग उनके तलवे चाटते हैं, जहां लोग उनकी बातें मानते हैं और एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं होती है। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, सलमान खान है जो बॉलीवुड से हैं, बाबा रामदेव का उदाहरण आपके सामने है, आचार्य बालकृष्ण जी हैं, तो ऐसे बहुत दिग्गज हैं जिन्होंने जीवन में तरक्की की है और लोग उन्हें हीन भावना से नहीं देखते हैं। तो जीवन में शादी के चक्कर में पड़कर अपने टारगेट को मत भूलना। शादी अगर नहीं की तो नहीं की है, कर ली है तो कर ली है, लेकिन इस बात को लेकर मत बैठना। और समाज में जो लोग शादी ना करने वालों को हीन भावना से देखते हैं उनमें अपने आप में कुछ कमी होगी, उनके पास कोई काम नहीं होगा, उनके पास निठल्लापन होगा, उनके पास यही काम होगा कि दूसरों की टांग कैसे खींचनी है, दूसरों में कमी कैसे निकालनी है। अगर ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो देखना जीवन में पीछे रह जाओगे। दोस्तों इस कहानी का निचोड़ मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ और वो ये है कि डरपोक आदमी का सत्य भी गूंगा होता है। यानी डरपोक आदमी का सत्य बोलता ही नहीं है, इसलिए डरपोक नहीं बनना है, जीवन को चुनौती के रूप में लेना है और कुछ करके दिखाना है, एक अपना ऐसा मुकाम बनाना है जहां पर लोग आप पर उंगली ना उठा सके। अगर निठल्ले रहोगे, बेरोजगार रहोगे और यूं ही घूमते रहोगे तो लोग आप पर उंगली उठाएंगे ही। इसलिए ऐसे काम कीजिए जिन्हें समाज में बुरा नहीं माना जाता हो, यानी ईश्वर की सत्ता में रहकर सारे काम करें। ईश्वर की सत्ता का कोई काम भी बुरा नहीं होता है और लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। आशा है ये वीडियो आपके बहुत काम का है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिख भेजिएगा कि आपने कहां पर ये वीडियो देखा, आप किस स्टेट से हैं, ताकि मैं आपको थैंक यू कह सकूं। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।